किसान साथियों, आज मेरे पास एक किसान आए हैं जिनका नाम है हितेश शर्मा। उनको किसान कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है। लगभग 3 साल पहले उनके कुछ रिश्तेदार हमारे यहाँ से पेड़ ले गए थे, तो जब इन्होंने अमरूद लगाने की सोची तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया और आज मेरे फार्म पर आए हैं। जब वैरायटी की बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कुछ पेड़ दिखाए, बाग में अमरूद लगे हुए दिखाए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने काफ़ी पेड़ बुक किए हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलूं। थोड़ा सा परिचय दीजिए आप। भाई साहब, मेरा नाम हितेश शर्मा और मेरा गांव जलालाबाद एरिया में है और मैं फिलहाल सहारनपुर नगर निगम में ठेकेदार हूँ। 10 बीघे बाग में अमरूद का लगाना चाहता था। त्यागी जी का नंबर मैंने कहीं से प्राप्त किया और मैं आज इनके पास मिलने के लिए आया और इन्होंने मुझे धवल और श्वेता दो वैरायटी दिखाई। लगभग 1 घंटा पहले मैं इनसे बातचीत कर रहा था, बातचीत करते करते 60% मेरा मन जो है वो मैंने मन में ठान लिया था कि मैं त्यागी जी से पेड़ लूँगा। मैं बाइक उठाने के लिए जैसा चला तो मुझे त्याग जी ने कहा, अरे शर्मा जी आओ, तुम्हें मैं 1-2 पेड़ पे जो आम लगे, वो अमरूद लगे हुए हैं, वे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ये जो धवल वैरायटी है ये दिखाई। भाई जैसे ही मैंने धवल देखा, मैंने अपने मन में 99% ये सोच लिया, ये भी सर धवल है। हाँ, ये तीनों, ये जो तीन हैं ये धवल हैं तीनों। और अमरूद की खूबसूरती और अमरूद का साइज देख के मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे जो मैं पहले 60% इनकी बात से सेटिस्फाई था, 99% मैंने अब ये सोच लिया कि मुझे धवल ही लगाना। उसके बाद ये कहने लगे कि आपको तो धवल ही अच्छा लगा, चलो मैं एक और आपको दिखा दूं, श्वेता। मैंने इन्होंने कहा चलो श्वेता की तरफ चलते हैं, तो भाई हम श्वेता की तरफ गए। अब श्वेता का भी जो मैंने अमरूद देखा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये इलाहाबादी है, इलाहाबादी ये। और भाई मैं 100% अब अपने को अपने मैंने सेटिस्फेक्शन कर लिया, भाई अपना पेड़ ले लूँगा और अपना मुझे जाके खेत में लगाने हैं। ये छोटे भाई के साले, अच्छा, वे आपके यहाँ से पेड़ लेके गए, सरसावा एरिया में उनका बाग लगा। और मैं एक दिन उनसे मिला, मगर भाई जी मैं तो चाहता हूँ कि मैं 10 बीघे अमरूद लगा दूँ। तो उन्होंने कहा, अब भाई आप वहाँ त्यागी जी के पास जाओ और त्यागी जी के पास जाके वे जो फिलहाल बढ़िया से बढ़िया वैरायटी होगी मैं उनसे आप बात कर लो जाके। क्योंकि 3 साल पहले 19 में या 20 में भी पेड़ आपके यहाँ से ले गए और बड़ा अच्छा उनका कारोबार, बड़ा अच्छा उनके पेड़ चल रहे। अच्छा। अब मैं भी भाई खेत में ईख से बचने के लिए बस आगे मेरी प्लान यही है कि मैं बस अब अमरूद का ही लगाऊंगा और धवल तो आपने उस ही लगाऊंगा। आपने उस खेत में पहले से कुछ आम के पेड़ भी लगाए हुए हैं? उस खेत में 10 बीघे में मैंने राम केड़ा लगाया हुआ है। कितने बाई कितने पे? 45 फीट पे पेड़ लगाया हुआ। तो अब 15x15 पे ये लग तो जाएंगे। 15x15 पे ये मुझे पेड़ लगाने, पेड़ लग 15 किस्से, मतलब ये है कि एक फेरा आराम से हैरो का टीलर का, हाँ, वो आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा इसमें करने। और 12-13 साल तो मेरे रहेंगे अमरूद जी, और उसके बाद फिर आम बड़े हो जाएंगे। और बस राम केड़ा का मैंने 10 बीघे थोक लगाया जी, राम केड़ा, एक तरफा राम केड़ा ही है, उसमें और कोई अन्य वैरायटी नहीं जी। अच्छा, और क्या आपको सीखने को मिला? मैंने बताया भाई केवल पेड़ लगाना ही एक जरूरी काम नहीं है, जरूरी पेड़ के साथ में इसकी हिफाजत करना, इसमें खाद डालना, बर्मो कंपोस्ट, कुछ दवाई वो भी डालना पेड़ के लिए, बहुत बायो एजेंट वगैरह, ट्राइकोडर्मा, जी। और कुछ मैं इस कागज पे नोट भी की दवाइयाँ, हाँ। और भाई जी ने तो मुझे बिना फीस लिए ही मुझे सारी बात बता दी, और फीस तो मेरे पास तो भाई ली नहीं। और कह रहे भाई चाहे अपना आप लगवा लो, चाहे हमारे सुपरविजन से लगा लो, दवाई ये है लगानी तुम्हें।
आप कहोगे उपलब्ध कहोगे हम आदमी कटाई छटाई के लिए दवाई दूर लगाने के लिए हम आदमी भेज देंगे, जब तुम सीख जाओगे भाई अपना आप लगा लियो, परंतु 2 या 3 साल तक पेड़ की देखभाल और समय समय पर उन्हें हमें क्या देना है ये बहुत जरूरी है। किसान साथियों, ये थे हितेश शर्मा जी। जो भी किसान मेरे फार्म पर आते हैं मैं उन्हें पेड़ बेचने की कभी भी कोशिश नहीं करते। मैं उन्हें पहले इसमें क्या आवश्यकताएं होंगी, क्या कठिनाइयां आएंगी और किस प्रकार करने चाहिए ये बताने की कोशिश करता हूं। इच्छा उनकी है। जो मेरे फार्म पर आते हैं वो सलाह बिल्कुल मुफ्त होती है। आपका घर है, आप आइए, जितनी मेरे से सेवा हो सकती है वो मैं करता हूं। और धीरे धीरे देखिए, ये किसान इनके जो रिश्तेदार थे वो 3 साल पहले मेरे से पेड़ ले गए थे, आज वो खुश हैं, तो उन्होंने इनको कहा आप कहीं मत जाइए, आप वहाँ जाइए। बताना मेरा फ़र्ज है, करना आपका फ़र्ज है कि बागवानी जो है खेती नहीं है। ये नहीं है कि आपने गड्ढा खोदा, पेड़ लगा दिया और चले गए। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, इच्छा आपकी है, टेक्निक है। मेरे पास कुछ अमरूद मैं रखता भी हूँ ताकि लोग आते हैं। आज के ये दूसरे किसान हैं, एक और मेरे वो तो अपने को शिष्य मानते हैं, वो मेरे पास आते रहते हैं, उन्होंने भी लगाया हुआ है बाग। तो बच्चों को लेकर आए तो अमरूद ले गए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं थोड़े बहुत अमरूद क्या बेचूं, लोग आते हैं, खाते हैं, उन्हें पता चलता है। और जो ये मेरा स्वप्न था कि मैं वो वैरायटी रखूं कि जो मेरे बाग में भी हो। किसान साथियों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार।